राजस्थान की राजनीति में बीजेपी लगातार एक्टिव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समझौते कराने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौर का समझौता कराया, इसके बाद सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया का समझौता कराया, इसके बाद अब कैलाश चौधरी और रविंदर सिंह भाटी का समझौता हुआ है। रविंदर भाटी ने बीजेपी का समर्थन करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रविंदर भाटी ने ये ऐलान किया है। अब सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहता तो मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा का भी समझौता करा देते, लेकिन क्या रविंदर भाटी का कैलाश चौधरी के साथ आकर खड़ा होना इसने उमेदाराम बेनीवाल की समस्या बढ़ा दी है? और क्या बाड़मेर में खेला हो गया? क्योंकि रविंदर भाटी माने जाते हैं बेहद लोकप्रिय नेता, उनके प्रचार करने का तरीका भी बेहद अलग है और लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे में जो कैलाश चौधरी मामले को टक्कर में मानकर टेंशन में थे, रविंदर भाटी के साथ आने से उनकी ये टेंशन काफी कम हो गई है। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी लगातार एक्टिव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समझौते कराने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौर का समझौता कराया, इसके बाद सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया का समझौता कराया, इसके बाद अब कैलाश चौधरी और रविंदर सिंह भाटी का समझौता हुआ है। रविंदर भाटी ने बीजेपी का समर्थन करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रविंदर भाटी ने ये ऐलान किया है। अब सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहता तो मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा का भी समझौता करा देते, लेकिन क्या रविंदर भाटी का कैलाश चौधरी के साथ आकर खड़ा होना इसने उमेदाराम बेनीवाल की समस्या बढ़ा दी है? और क्या बाड़मेर में खेला हो गया? क्योंकि रविंदर भाटी माने जाते हैं बेहद लोकप्रिय नेता, उनके प्रचार करने का तरीका भी बेहद अलग है और लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे में जो कैलाश चौधरी मामले को टक्कर में मानकर टेंशन में थे, रविंदर भाटी के साथ आने से उनकी ये टेंशन काफी कम हो गई है। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी लगातार एक्टिव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समझौते कराने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौर का समझौता कराया, इसके बाद सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया का समझौता कराया, इसके बाद अब कैलाश चौधरी और रविंदर सिंह भाटी का समझौता हुआ है। रविंदर भाटी ने बीजेपी का समर्थन करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रविंदर भाटी ने ये ऐलान किया है। अब सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहता तो मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा का भी समझौता करा देते, लेकिन क्या रविंदर भाटी का कैलाश चौधरी के साथ आकर खड़ा होना इसने उमेदाराम बेनीवाल की समस्या बढ़ा दी है? और क्या बाड़मेर में खेला हो गया? क्योंकि रविंदर भाटी माने जाते हैं बेहद लोकप्रिय नेता, उनके प्रचार करने का तरीका भी बेहद अलग है और लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे में जो कैलाश चौधरी मामले को टक्कर में मानकर टेंशन में थे, रविंदर भाटी के साथ आने से उनकी ये टेंशन काफी कम हो गई है।